आजकल जमाना है फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का। इसके कारण हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन इन सब सोशल मीडिया में कुछ ऐसे न्यूज या ऐसे इंसिडेंट भी आ जाता है जिनका वास्तविक रूप से कोई समानता नहीं होता है, यानी वो एक फेक न्यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, आज रहस्य लाइव में हम आपको ऐसे ही कुछ फेक न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहला फेक न्यूज आता है, एक महिला ने 11 बेबी का जन्म दिया है। ये फोटो व्हाट्सएप में बहुत वायरल हो गया था, बाद में फेसबुक में भी बहुत वायरल हो चुका था, लेकिन ये न्यूज था पूरा फेक। एक्चुअली 2011 साल के 11 नवंबर यानी 11/11/11 इस डेट में सूरत का एक टेस्ट ट्यूब सेंटर है जिसका नाम है 21st सेंचुरी हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। वहां पर 11 बेबियों का जन्म हुआ था उस पूरे दिन में। तो सभी बच्चे को लेकर ये एक पिक्चर था जिनको वायरल कर दिया गया था क्रॉप करके, और बाकी पूरा न्यूज था झूठा। दूसरे नंबर पे है नाथुराम गोडसे और महात्मा गांधी का पिक्चर। अभी एक पिक्चर बहुत वायरल हो रहा है जहां पर एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में देखा जा रहा है गांधी जी के सामने एक आदमी बंदूक तान के खड़े हैं, या आप बोल सकते हैं बंदूक लेके खड़े हैं, और दावा किया जा रहा है ये नाथुराम गोडसे का पिक्चर है जिन्होंने महात्मा गांधी को मार डाला था और ये तभी खींचा गया था। लेकिन नहीं, ये एक ब्रिटिश मूवी है जिसका नाम है 9 Hours of Rama, उस मूवी का ये सीन है, और बाकी न्यूज आप सोच ही सकते हैं क्या है। तीसरे नंबर पे आता है, केरल में एक सांप ने 3 आदमी को निगल लिया। जी हाँ, एक पिक्चर आया था जिसमें एक पाइथन यानी एक अजगर सांप ने कुछ बड़ा खाया है जिनके कारण उनका पेट पूरा फूल गया है, लेकिन बाद में सच्चाई सामने आया और वो था एक भैंस, एक छोटा भैंस का बच्चे को वो पूरा निगल लिया था, इसीलिए उसका पेट फूल गया था। इसके बाद आता है और एक फेक न्यूज जो है, कुरकुरे में प्लास्टिक। आपने शायद एक वीडियो देखा होगा जहाँ पर एक पैकेट से कुरकुरे निकाला जाता है और उस कुरकुरे को जलाया जाता है और वो प्लास्टिक की तरह पिघल जाता है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक फेक वीडियो था। बाद में कुरकुरे और फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी इस बात का पुष्टि किया है कि कुरकुरे एडिबल इंग्रेडिएंट से बनता है, तो इसमें ऐसे कोई अगर वीडियो या इमेज सामने आता है वो सब गलत है या फेक है। दोस्तों, आप में से किसी को पता था कि ऐसे फेक न्यूज पूरे जगह पर फैलाया जा रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखिएगा दोस्त, मुझे इंतजार रहेगा दोस्तों आपके कमेंट का। हम लोग गरीब आदमियों को मुफ्त में खाना, दवाई और कपड़े देते हैं। यहाँ पे जितना ज्यादा सब्सक्राइबर होगा हम उतना ज्यादा गरीब आदमी को मदद कर सकेंगे। तो आप लोगों को हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और किसी गरीब के मुंह में हंसी लाइए।